सबसे पहले तो देशवासियों को कांग्रेस की तरफ से और आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी जिस तरह से आज मराठी दिवस है? आज ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते मराठी भाषा के जाने माने कवि कुसुमाग्रज जी का जन्मदिन है और इस मौके पर एक मराठी भाषा दिन हम लोग मनाते हैं और महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है और इस नाते हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मराठी भाषा दिन का आयोजन करते हैं। आमतौर पर हम लोग अपने कार्यालय में वहाँ मुख्यालय में करते थे, इस बार हम लोग गोरेगांव आए हैं और आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में हम मराठी भाषा दिन का यह जो उत्सव है उसको मनाएंगे। मराठी भाषिक जो समाज है उनका एक मराठी भाषा के प्रति विशेष प्रेम है, उस प्रेम का उत्सव मनाने का आज दिन है। तो जिस तरह से कलाकार हमारे आज इस मंच पे कलाकार मौजूद रहे, आपने उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें जिस तरह से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, तो कितना अच्छा लगता है जब किसी के मनोबल को बढ़ाने का मौका मिले आप? बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। ये जितने कलाकार हैं उन कलाकारों के पास एक अपनी वो है क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उस रचना धर्म को प्रमोट करना चाहिए, उनको मंच मिलना चाहिए। उनकी तरफ से बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे आइडियाज आते हैं, उन अच्छे विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस नाते ऐसे कलाकारों के साथ बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनकी रचना सुननी चाहिए। राहुल जी मुंबई आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, लोगों को किस तरह से सावधान किया गया है, कार्यकर्ता जो है कांग्रेस उन्हें किस तरह से काम दे दिया गया है कि वो आने वाले तो कहीं कोई चूक ना रह जाए? राहुल गांधी जी की सभा 1 मार्च को शाम को 5 बजे BKC के MMRDA ग्राउंड में है और पूरे मुंबई से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी बड़े पैमाने पर, इसके अलावा जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, ऐसे भी बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक भव्य इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है। 1 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एक उनकी सभा होने जा रही है और मैं सभी आपके माध्यम से मुंबई के सभी नागरिकों से, सभी मुंबईकरों से मैं विशेष निवेदन करूंगा कि BKC के MMRDA ग्राउंड में 1 तारीख को 5 बजे अवश्य आएँ और राहुल जी की सभा को कामयाब करें और राहुल जी का भाषण सुनें। धन्यवाद, नमस्ते।